कार पार्क करके अब हम आ गए हैं चौकीदानी। चौकीदानी में ये इनका मेन एंट्रेंस है और यहाँ पर ही आप टिकट्स परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो। टिकट्स वेरी करते हैं 750 से 1200। हम 1200 वाला लेने का सोच रहे हैं क्योंकि उसमें आपको VIP की तरह खिलाते हैं, आपको प्रॉपर टेबल एंड चेयर पे वो सर्व करते हैं प्रॉपर थाली में। अगर 750-800 वाली लेते हो आप तो वो बाहर जैसे चेयर्स लगा के नहीं खाना खाते हैं, बफे सिस्टम वो वैसा होता है। सिमिलरली बच्चों के लिए 450 से 800 रुपीज़ की टिकट कॉस्ट करती है और ये ओपन हो जाता है अराउंड द ईयर ओपन रहता है ये 5 बजे शाम से रात के 11-11:30 बजे तक ओपन रहता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेगी, तो 5 बजे से 11:30 बजे तक टाइम बहुत ईजिली कट सकता है। हम अभी 7 बज रहे हैं, हम अभी आए हैं और हमें जो स्लॉट मिला है डिनर का वो है 10:30 का, हमने ही रखवाया है ताकि हम थोड़ा एक्सप्लोर कर लें अच्छे से। ये उनका मेन वो वाला है खाने वाला एरिया, यहीं पर आगे जाके आप जाओगे तो अंदर टेबल वगैरह पर बिठाएंगे और ये बफे वाला सिस्टम है इनके खाने का जो मैं बता रही थी। थोड़ी बारिश भी हो गई है यहाँ पे, जैसे लिखा है ना ये रॉयल, तो हमने रॉयल वाला बुक किया है। और ये लोग यहाँ पे जैसे बफे में खा रहे हैं, ये आपका सबसे सस्ता वाला पैकेज है। यहाँ और स्टॉल्स भी हैं, जैसे ये पानी पूरी वाला स्टॉल है लेकिन ये सारा पेड होता है अलग से। इनफैक्ट यहाँ पर और भी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ जैसे कैमल राइड, वो सब भी पेड होती है लेकिन वो नॉमिनल है, 20-5 रुपये टाइप्स ऐसे। यहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं, हम भी डांस कर सकते हैं, चलो चले। ये चल रहा था? अच्छा, जैसे कि ये लोग कैमल राइड कर रहे हैं अभी। यहाँ पे थोड़े शोज वगैरह हो रहे हैं, पहले हम लोग थोड़ा शोज देखते हैं। ये लोग ये जो साइड में ऊपर रखा है ना, इसको भी उठाकर डांस करते हैं। इन लोगों को कैमल राइड करनी है, मुझे नहीं करनी है, मुझे डर लग रहा है। चलो उठो उठो, ये बाय। नेक्स्ट हम चलते हैं बोट राइड पर। ये सारा जो जैसे कैमल राइड थी, हॉर्स राइड है, बुलक कार्ट राइड है, ये सब 20 रुपीज़ है। बोट राइड भी इनफैक्ट 20 रुपीज़ है, बाकी गेम्स वगैरह भी हैं वो 5-5 रुपीज़ के हैं। अब चक्कर आ गया हमें। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट राइड पे जो कि है बुलक कार्ट राइड। Thank you.
ना। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे लाइक फुल आप मस्ती कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, तो बिल्कुल बोरियत नहीं होगी। वर्थ इट है 1200 रुपीज़ का, क्योंकि खाने का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा होता है, वो आगे चल के दिखाएंगे। हम पहले आ रखे तो मुझे पता है कि अच्छा होता है। ये और यहाँ पर मम्मी फुल एंजॉय करते हुए झूला झूल रही हैं। सब लोग साथ रहे ना, आगे पीछे मत हो जाओ, तो सुपर ज्यादा। यहाँ पे ऐसे सुंदर सुंदर फोटोज वगैरह क्लिक कराने के लिए भी बना रखा है जी। जैसे ओवर ब्रिज है, बीच में वो जो पानी था जहाँ पे बोटिंग करी, उसके आप इस साइड ऑपोजिट साइड आने के लिए। और जो कॉन्स्टेंटली आवाज़ आ रही है ना काऊ 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 की, वो यहाँ पे एक फॉरेस्ट जो है, जंगल फॉरेस्ट, वहाँ से आ रही है, कंटिन्यूसली आ रही है। और यहाँ पे बहुत सारा ऐसा लाइक रिप्रेजेंटेशन पर्पस के लिए भी बना रखा है, शिकारा या फिर जो जो गोवा वगैरह का कल्चर वाइज बना रखा है, जो जो फेमस चीज़ें हैं ना। तो जैसे कश्मीर का है तो कश्मीर के लिए उन्होंने शिकारा बना दिया है, आप अंदर जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, फोटोज़ क्लिक कर सकते हो। अभी तो रात होगी, उतनी अच्छी फ़ोटोज़ नहीं आएंगी, बट शाम में अच्छी आती होंगी। इसी के बाद हमें फ़ोन आ गया था कि आपका नंबर आ गया है खाना खाने का। सो दिस इज़ द एक्सपीरियंस। ये प्रॉपर राजस्थानी थाली होती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ की फेमस डिशेस वगैरह। तो ये लोग अभी एक्सप्लेन भी करते जाते हैं हमें कि कौन सी चीज़ क्या है, एंड स्वीट्स वगैरह भी होते हैं दो तीन तरीके के। खाना खाकर हमारा ऑलमोस्ट ट्रिप एंड हो रहा था, और यहाँ पर हमें गेम्स भी खेले थे, तो हम जल्दी से गेम्स वाले सेक्शन में आ गए और हमने बहुत सारे गेम्स खेले, बास्केटबॉल, मतलब बेसिकली वो सारे गेम्स आपको मिलेंगे जो आपको मॉल में मिलते हैं, बस यहाँ पर आपको 5 रुपये ही देने हैं और वहाँ पर आपको 500 रुपये देने पड़ते हैं, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये वाला शो भी देख लेते हैं, रोप वाला। एंड सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है, ऐसे ही ब्लॉग्स आप देखना चाहते हो और, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय। जहाँ पार्किंग करी थी वो है उधर घर।